हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव्स कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें मैंने बेटे आपको प्रीवियस वीडियो में एलिप्स के बारे में समझा दिया था कि एलिप्स होता क्या है एंड एलिप्स जो है वो वर्क कैसे करता है और एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया था। अब देखो बेटा, इस लेक्चर में है क्या, इस लेक्चर में हमें करना क्या है, ये ना एक आपको एलिप्स दिया हुआ होगा, मुझे बोला है कि आप एलिप्स का एरिया ढूंढ के बताइए, ठीक है, आप एलिप्स का क्या फाइंड करके बताइए, एरिया फाइंड करके दिखाइए। एलिप्स कौन सा है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ठीक है। एलिप्स का जो है वो एरिया वो मुझे ढूंढ के बताना है, ठीक है। तो बेटा ये देखो, एलिप्स कुछ इस तरीके का होता है, ये मैंने आपको फिगर समझाई हुई है बहुत अच्छे से, और ना आपको मैंने ये भी समझाया था कि जो एलिप्स होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस होता है, एक्स एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, ठीक है। एलिप्स क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस होता है, यानी कि दोनों एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यानी कि अब उसने ना ये बोला कि सारे के सारे एलिप्स का आप एरिया निकाल के बताओ, ठीक है। अगर मैं ओनली इस चीज़ का एरिया निकाल दूँ, ओनली एक इस चीज़ का एरिया निकाल दूँ, क्योंकि मुझे चारों चीज़ का तो एरिया निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं एक चीज़ का एरिया निकाल दूँ तो इससे क्या होगा, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चारों का एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकाल के अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास चारों का एरिया निकल जाएगा, इसका निकाल के इसका इसका इसका, ठीक है। समझ में आई आपको बात कि मैंने क्या बोला, इसको ना मैं वर्टिकल स्ट्रिप या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहीं से भी निकाल सकती हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप के ज़रिए और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के ज़रिए मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब क्या मैं करूँगी, मैं वर्टिकल स्ट्रिप को यूज़ करूँगी, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या है, 0.0, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है आपकी, ये आपको ना मैंने एलिप्स के पॉइंट बताए थे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है 0.0, ठीक है, ये मैंने आपको समझाए हुए हैं पॉइंट्स, और ये कहाँ से आते हैं ये वगैरह मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो 0.0 एंड 0.b ये आपके पॉइंट का नाम है। तो अब देखो बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे एरिया निकाल के बताना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला कि अगर मैं इस चीज़ का एरिया निकाल दूँ तो उसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो चारों का एरिया मुझे मेरे पास निकल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया, मुझे एरिया निकाल के बताना है, ठीक है। मैं एक के एरिए को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और जो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, इसको मैं ओ का नाम दे देती हूँ, इसको एस का और इसको एल का, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ओ एस एल, ठीक है, एरिया ऑफ ओ एस एल की जो मुझे एरिया निकालना है, एक का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास निकल जाएगा ये, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई ये इंटीग्रेशन एरिया, आप क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ली है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ydx ये लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मैं y को y ही पड़ा रहने दूंगी पहले, ठीक है। अब मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिस्कस करूंगी, तो इसमें x की लिमिट कौन सी हो गई, आगे वाली, जो कितनी है बेटा 0, और y की लिमिट, जब आप x के लिए वर्क कर रहे हो ना, यहाँ पे x है, अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हो इसका मतलब आप x एक्सिस के लिए काम कर रहे हो, अगर आप x एक्सिस के लिए काम कर रहे हो तो आपको लिमिट्स भी x की ही चाहिए, यहाँ से क्या आ जाएगी 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास a, तो 0 से लेके a तक, ये क्या हो गया मेरा 0 से लेके a तक ydx, 0 से लेके a तक ydx, समझ में आई आपको बात इतनी सी, 0 से लेके a ydx, ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा ydx, समझ में आई आपको बात इतनी सी, ठीक है बेटा, 0 से ydx आ गया। अब देखो बेटा, चीज़ों को ज़रा ध्यान से और समझो, जो जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो 4, अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू डालनी है, वो y की वैल्यू कैसे निकलेगी मुझे, मेरे पास ये ना आप एलिप्स की इक्वेशन उठा लो,
ठीक है, ये मैंने एलिप्स की इक्वेशन उठा ली और यहाँ से आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। ये एलिप्स की इक्वेशन मुझे दी हुई है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया है, तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू निकल जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, यहाँ पे इसको अलग करा तो ये बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस बी स्क्वेयर को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको ज़रा अच्छे से करो, बी स्क्वेयर ये ए स्क्वेयर मैंने बाहर निकाल दिए अपॉन ए स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे इसको इधर रूट बनाना पड़ेगा, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद जो बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर में से b अपॉन a बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये मेरे पास y की वैल्यू निकल के आई है। प्रोसेस तो समझो कैसे हुआ है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से कैमरा घुमा रही हूँ पूरे के ऊपर, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने y की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पर डाल दी, b अपॉन a रूट क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। लिमिट्स कौन सी है भाई मेरे पास, जीरो से लेके a तक। अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से करी है तो आई होप कि आपको इसका फॉर्मूला समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इस इंटीग्रेशन का, पहले तो मैंने b अपॉन a बाहर निकाल लेना है। लो भाई, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करने जा रही हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, इसकी इंटीग्रेशन होती है x अपॉन 2, फिर यहाँ पे क्या होता है भाई, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पे होता है आपका, ध्यान रखना भाई चीज़ों की गलती मत करना, ए स्क्वेयर अपॉन 2, यहाँ पे होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। आपने इसके ऊपर लिमिट लगानी नहीं भूलनी है, ठीक है, ये आपने हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करनी होती है, ठीक है। जो आपकी अपर लिमिट कितनी है, a, इसका मीनिंग क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपको x को a डालना है, यही मीनिंग होता है ना लिमिट पुट करने का। जब आप यहाँ पे a डालोगे ये तो सारे का सारा जीरो हो जाना है भाई। अब ये ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, जब यहाँ पे a डालोगे तो मीन्स आपका ये बच गया साइन इनवर्स a अपॉन a, इधर से बच गया। और जब आप ज़ीरो डालोगे x को, जब यहाँ पे ज़ीरो डालोगे तो सारे का सारा ज़ीरो, और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो इसलिए मैंने ये बीच में माइनस डाला है, कन्फ्यूज़न मत पड़ जाना कि ये मैंने कहाँ से ले लिया माइनस, ठीक है। तो मुझे ज़ीरो पुट करना है, जब मैंने x को ज़ीरो पुट करा तो ये सारे का सारा फिर से ज़ीरो हो गया और मेरे पास क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स ज़ीरो अपॉन a, ठीक है। तो अब देखो मैं वर्क कैसे कर सकती हूँ, मैं ए स्क्वेयर अपॉन 2 डालूँगी, इसको कट करके मैं 1 डाल दूँगी, और साइन 1 कितने के ऊपर होता है, पाई बाय 2 के ऊपर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर अपॉन 2 ये साइन 0 बन जाना है, और साइन 0 कितने के ऊपर होता है भाई, 0 के ऊपर होता है। ये तो सारे का सारा गया ना, ये तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, ठीक है, 4b अपॉन 2 पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया भाई, तो इसका आंसर कितना आ गया, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जब आप एरिया निकालते हो ना तो उसके पीछे आपने स्क्वायर यूनिट डालना है, ठीक है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक बार सारे के ऊपर मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ध्यान से चीज़ों को समझना, किसी चीज़ में कोई मिस्टेक कोई गलती मत करना, ठीक है। अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे जो है इसको बैक करके देख लेना, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आपका ना इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से समझना है, इसमें क्या बोला गया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। यहाँ भी मुझे एलिप्स का ही एरिया निकालने को बोला गया है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन देखो बेटा फ़र्क कहाँ पे है, मैं आपको समझाती हूँ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, यहाँ पे भी मुझे एलिप्स ही दिया गया है। एक तो एलिप्स होना चाहिए और एक ऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है ना उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। कहीं कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि कोऑर्डिनेट का, ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है। मैं आपको समझाती हूँ चीज़ों को, डायग्राम बनाते हैं पहले हम इसकी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, बैक करके देख लेना, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये बेटा एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक एलिप्स, ठीक है।
ये एलिप्स ड्रॉ कर दिया और पॉइंट तो आपको समझाने की आई डोंट थिंक की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ये फिर भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसने मुझे पूरे एलिप्स का एरिया निकालने के लिए नहीं बोला है, तो उसने एरिया क्या निकालने को बोला है, अब इस चीज़ को समझो ज़रा। उसने पता है मुझे क्या बोला है, उसने बोला कि ये एक ऑर्डिनेट खींच लो, अब एक्स इज इक्वल टू ए ई, पता है कौन सा ऑर्डिनेट होता है एलिप्स में, ये एक लाइन होती है लेटस रेक्टम, इसको ना ऑर्डिनेट बोला जाता है, एक्स इज इक्वल टू ए ई, इसको मतलब अगर मैथ की पूरी प्योर लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको फोकाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको फोकाई, और फोकाई को ना एस से डिनोट करा जाता है, ए ई कॉमा जीरो इसके पॉइंट होते हैं, ठीक है, ए ई कॉमा जीरो इसके पॉइंट होते हैं। ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ये सारे का सारा और ये सारे का सारा, मुझे पूरे एलिप्स का एरिया नहीं निकालना है, मुझे इस लाइन को लगाने के बाद जो अंदर वाला एरिया बनेगा मुझे वो निकाल के बताना है भाई, यानी कि एक तो ये वाला एक तो ये वाला, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि मुझे पूरे का पूरा निकालने की क्या पड़ी है, अगर मैं सिर्फ एक इस चीज़ का ऊपर वाले का एरिया निकाल दूँ और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ख्याल है वो नीचे वाला भी निकल जाना है, अगर मैं इतना सा एरिया निकाल दूँ, ठीक है, अगर उसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास सारे का सारा एरिया निकल जाएगा। तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप की रिगार्डिंग लगा रही हूँ, ये लो भाई मेरी वर्टिकल स्ट्रिप, ये मैंने लगा दी, ठीक है। तो मैंने इसको जो है ये कर दिया, ओके, ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। अब इस लाइन का नाम तो उसने खुद ही बोल दिया भाई, इस लाइन का नाम तो एक्स इज इक्वल टू ए ई है और यहाँ पे क्या है, जीरो कोमा जीरो, ठीक है, ओके, ये तो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस की तो लाइन का नाम ही वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, तो इसको तो कन्फ्यूजन में डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू ए ई हो गया, एक जीरो जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई आपका, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया जीरो से, लिमिट जीरो से है ना, एक्स की लिमिट चाहिए ना, तो यहाँ तक ए ई, ये आपकी लिमिट हो जाएंगी जीरो से ए ई, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी। मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और आपको इसका रीज़न पता होना चाहिए क्यों, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों, और इसका जो है ना बी, ये जो दिया हुआ है कि बी इतना है, इसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बी की वैल्यू सिंपल यहाँ से निकालो जैसे मैंने आपको निकालने को प्रीवियस उसमें बोली है, ठीक है, तो बस निकाल दो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका पीछे वाले जैसा सेम आ गया, ठीक है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया ना आपका, बस लिमिट में फ़र्क पड़ा है कि यहाँ पे ए ई है और यहाँ पे ए है, ठीक है, ओके ओके। देन बेटा इस वीडियो में आपके लिए इतना बहुत है, और इसके जैसे क्वेश्चन आपकी बुक एक्सरसाइज में बहुत पड़े हैं, आपने वो डन करने हैं, ओके देन, थैंक यू बच्चे, मैं क्वेश्चन ही आपको बता दूंगी, ओके।